गुड मॉर्निंग स्मार्ट लर्नर्स ऑफ EPS। हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। आई होप यू ऑल डिड गुड इन योर एग्जाम्स। आपने अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू एंड योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को और आपको थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपकी कोऑपरेशन के लिए, आपकी मेहनत के लिए और आपके अच्छी सक्सेस के लिए। आई विश ऑलवेज अ गुड सक्सेस फॉर यू। आई विल लेट्स स्टार्ट आर टूडेज क्लास। आज की मोटिवेशनल कोट भी फैमिली से ही रिलेटेड है। फैमिली क्या है? फैमिली वेयर लाइफ बिगेन्स एंड लव नेवर एंड्स। फैमिली वो जगह है जहाँ पे लाइफ शुरू होती है, ज़िंदगी शुरू होती है और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। यही हमारी फैमिली है। हमारी भी लाइफ हमारी फैमिली से ही शुरू होती है और हम सारे इकट्ठे रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहते हैं और हमारी फैमिली में भी कभी प्यार ख़त्म नहीं होता। सो दिस इज़ आवर फैमिली। आई वेलकम यू ऑल इन योर टूडेज EVS क्लास एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 9 पार्ट 2। आज हम अपनी क्लास में चैप्टर 9 का पार्ट 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज क्लास। और बेटा, आप इस क्लास में एनिमेशन पार्ट भी इंजॉय करोगे। इस लेसन का एनिमेशन पार्ट भी आप इंजॉय करोगे। इनका लेसन नंबर 9 हमने किया था, हम उसका रिमेंबर पार्ट करते हैं। रिमेंबर पार्ट क्या होता है? द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। मेन पॉइंट्स जो लेसन के होते हैं, उसमें क्या था बच्चे? लेसन में अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन अ हाउस। फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है जब लोग छत के नीचे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फैमिली। अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन अ हाउस। एक जो फैमिली होती है, सब लोग इकट्ठे एक घर में छत के नीचे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फैमिली। अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। जो स्मॉल फैमिली होती है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, जिसमें मम्मा पापा और बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। देन वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स इन आर फैमिली। और हमारे इस लेसन से हमने क्या सीखा कि हमें अपने जो हमारे फैमिली के एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हेलो, आई एम प्रिया एंड ही इज आदित्य। आदित्य इज माय ब्रदर, आई एम हिज सिस्टर। वी लिव विद आवर पेरेंट्स। प्रिया एंड आदित्य लिव इन अ स्मॉल फैमिली। अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। Sometimes children live with one parent only. Such nuclear families are called single parent families. Rashmi is Priya's friend. She lives in a big family. She has two brothers and one sister. A family which has more than two children is called a big family. Mini lives with her parents, grandparents, aunt, uncle and cousins. She lives in a joint family. A family which has grandparents, parents, aunt, uncle and their children is called a joint family. Children should always respect their elders. Family members should help each other. आज हमने करना है test yourself. टेस्ट योर सेल्फ होता है एक्सरसाइज पार्ट, और वो किस लेसन का करना है हमने? लेसन नंबर 9 का। और इसमें क्या होता है बेटा, टेस्ट योर सेल्फ में क्या होता है? एक्सरसाइज पार्ट करते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स, फिल अप, मैच इट और बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनको हम कवर करते हैं। और आज की हमारे वीडियो लेसन में हम लेसन 9 का टेस्ट योर सेल्फ पार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आएगा बेटा? सबसे पहले आएंगे टिक द करेक्ट आंसर। जो आंसर सही है हमने उसको करेक्ट करना है। जैसे पहले है प्रिया लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली बिग फैमिली। प्रिया स्मॉल फैमिली में रहती है, बिग फैमिली में रहती है, तो आंसर है स्मॉल फैमिली। हम यहाँ पे टिक करेंगे। अ फैमिली विच हैज़ मोर देन टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली। जिस फैमिली में एक से दो ज़्यादा बच्चे होते हैं, एक या दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल फैमिली या बिग फैमिली? वो होती है बिग फैमिली। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा,
टिक द करेक्ट के बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया गया है, आपने जो सही आंसर जिस फिलअप में सेट होता है हमने उसमें लिखना है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रिया एंड आदित्य आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। लेसन में प्रिया और आदित्य के बारे में बात की हुई है। अब लेसन में जो प्रिया और आदित्य है वो आपस में क्या है, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पे आएगा ब्रदर एंड सिस्टर। नंबर टू, ब्लैंक फैमिलीज हैव ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंट, अंकल एंड देयर चिल्ड्रन। किन फैमिलीज में दादा, दादी, मम्मी, पापा, अंकल, आंटी और उनके बच्चे इकट्ठे रहते हैं, कौन सी फैमिली होती है, वो होती है ज्वाइंट फैमिली। तो यहाँ पे आएगा ज्वाइंट फैमिली। नंबर थ्री, चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट आर कॉल्ड, जो अंकल आंटी के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कजन्स। यहाँ पे आएगा आपका कजन्स। नंबर फोर, अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक फैमिली। स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, इसका नाम होता है न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पे आएगा फोर नंबर में आएगा न्यूक्लियर। नंबर फाइव, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज ब्लैंक देयर पेरेंट्स। बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। यहाँ पे एक ब्लैंक नहीं है बेटा आपके इस बॉक्स में, यहाँ पे आंसर है चिल्ड्रन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अब इसका नेक्स्ट सेगमेंट है बेटा, अब हमने फिलअप कर लिए हैं, अब हम करेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आंसर दीज क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चे, आपने व्हाट इज अ स्मॉल फैमिली, हमने ये क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमने आंसर लिखना होता है, ये लाइंस हैं इनमें हमने आंसर लिखना है। क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली कौन सी होती है, अ फैमिली विच हैज पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन। अ फैमिली विच हैज़ पेरेंट एंड टू चिल्ड्रन, वो होती है स्मॉल फैमिली। वट इज़ अ बिग फैमिली, बिग फैमिली कौन सी होती है, अ फैमिली विच हैज़ पेरेंट्स एंड मोर देन टू चिल्ड्रन। अ फैमिली विच हैज़ पेरेंट्स एंड मोर देन टू चिल्ड्रन, वो होती है बिग फैमिली। वट इज़ अ ज्वाइंट फैमिली, अब ज्वाइंट फैमिली कौन सी होती है, अ फैमिली विच हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन। अ फैमिली विच हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंट, अंकल एंड देयर चिल्ड्रन, दे ऑल लिव टुगेदर, दैट इज ज्वाइंट फैमिली। यहाँ पे स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के बारे में आपसे पूछा गया है। डी पार्ट है बेटा थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको उसको आंसर करना होता है। यहाँ पे है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली की एडवांटेजेस क्या हैं, हमें स्मॉल फैमिली की क्या एडवांटेजेस का मतलब होता है बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं। अब स्मॉल फैमिली के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं, खर्चा भी कम होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कम होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इन स्मॉल फैमिली ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर। क्या आंसर होगा, इन स्मॉल फैमिली All live happily together. अब बेटा यहाँ पे एक्टिविटी है, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द फैमिली ट्री। यहाँ पे फैमिली ट्री बना हुआ है, आपने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के, जो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नेम लिखने हैं, जैसे आपकी रूट्स, आपकी फैमिली की रूट्स, आपके दादा दादी, आपने उनका नेम लिखना है। यहाँ पे आप दादाजी का नेम लिखोगे, यहाँ पे दादी जी का, यहाँ पे अपने पापा का क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, और अपनी मम्मा का, तो यहाँ पे आपके ब्रदर सिस्टर और यहाँ पे अपना, ठीक है। आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके दादा दादी, पापा, मम्मा, भाई, बहन और आपका, इन सबका इस फैमिली ट्री में नेम होगा। है लाइफ स्किल्स में क्या है, योर फादर हैज़ फॉरगॉटन टू बाय अ टॉय फॉर यू दैट ही हैड प्रॉमिस्ड टू बाय टुडे। इसमें लाइफ स्किल में बेटा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपके लिए टॉय लाएंगे, बट वो भूल गए हैं। नाउ ही आस्क यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम, और वो जब घर आए, क्योंकि वो टॉय भूल गए थे, बाय चांस वो भूल गए, और वो जब घर आए तो उन्होंने आपसे पानी मांगा, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, गिव हिम वाटर, उनको पानी दोगे, या से नो बिकॉज यू आर एंग्री विद हिम, उनको नो बोल दोगे कि आप उनसे गुस्सा हो, आप उनको पानी नहीं दोगे क्योंकि आप उनका
वो आपके लिए टॉय नहीं लेके आ पाए, क्या करोगे बेटा? हमें क्या करना है, हम उनको पानी ज़रूर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर कई बार कोई चीज़ भूल भी जाते हैं तो इसके लिए हमें उनको पनिश नहीं करना है, ठीक है? कई बार हो सकता है हम भी भूल जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमें हमेशा उनको ध्यान रखना है, उनको प्यार करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। अब बच्चे आपका होमवर्क है, आपने एक्सरसाइज पार्ट को अपनी बुक में करना है, जो लेसन का एक्सरसाइज पार्ट हमने सॉल्व किया है उस सारे को आपने बुक में सॉल्व करना है, और आप अपनी सॉल्व्ड वर्क की इमेजेस हैं जो काम की इमेजेस होंगी वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करोगे। सो बच्चे व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम आर टुडेज वीडियो लेसन? वी लर्नड दैट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स ऑफ आर फैमिली, वी शुड लव देम, केयर देम। हमें अपने फैमिली में सबको प्यार करना चाहिए, फैमिली के सब लोगों की केयर करना चाहिए। आई होप यू ऑल विल फॉलो दीज वैल्यूज़। टेक केयर, बाय। थैंक यू बेटा।